क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना जारी, जिला स्कूल को बनाया गया मतगणना का केंद्र। शराब कारोबारियों ने पुलिस टीम पर किया हमला, गंभीर रूप से घायल कई पुलिसकर्मी। स्कूल में प्रार्थना को लेकर हुआ विवाद, मारपीट के दौरान 5 बच्चे हुए घायल। चोरों के हौसले हुए बुलंद, बंद घर को बनाया चोरों ने निशाना, घर से 15 लाख रुपए चोरी कर हुए फरार। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, आभूषण चोरी करने वाले आरोपियों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। खबर नालंदा से है, जहां बिंद थाना क्षेत्र के वेनार सकसोहरा मुख मार्ग पर देर रात चलती कार में अचानक आग लग गई, जिसके बाद कार में धुआं देख कार चालक समेत 3 लोगों ने चलती कार से कूद कर अपनी जान बचाई और कुछ ही देर में कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। वहीं मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बिंद थाना से जब आगे हम लोग निकले हैं, करीब 5 किलोमीटर पर सामने से एक ट्रक का क्रॉसिंग हुआ, ठीक है। तो ट्रक का क्रॉसिंग हुआ तो उसी दरमियान में हम अपना साइड मिरर में देखे कि हमारा गाड़ी सही सलामत निकला, तब उसी में हमको नज़र आया कि कुछ किंगारी रोड पर गिरते हुए। तो हमको लगा हो सका कि ट्रक वाला जा रहा है तो सिगरेट उगरेट पी के फेंक दिया होगा, लेकिन मुश्किल से 4 कदम पर फिर हम जब देखते हैं तो लगता है कि ट्रक तो चला गया, किंगारी अभी तक हमारे पीछे चल रहा है। हम तुरंत गाड़ी को साइड किए हैं, गाड़ी मेरा आधा ही रोड पर से उतार के हम ऐसे गेट खोलते हैं, तब देखते हैं न्यूट्रल की गाड़ी न्यूट्रल करके उसके बाद जैसे हम गेट खोलते हैं तब मेरा बोनट से पूरा धुआं निकल रहा था। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां उत्पाद विभाग के साथ पुलिस टीम पर शराब कारोबारियों ने हमला किया। बताया जाता है कि रामनगर के धांगर टोली में शराब के अवैध निर्माण व बिक्री की सूचना मिल रही थी। इस आधार पर उत्पाद विभाग व पुलिस टीम ने छापेमारी शुरू किया, जिसके बाद धंधेबाजों ने ईंट पत्थर से हमला बोल दिया, जिससे पुलिस टीम के कई जवान घायल हो गए और पुलिस वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया। रामनगर ढांगा टोली में पुलिस की ड्यूटी, रामनगर थाना है से पुलिस की ड्यूटी थी, हम लोग थे। अब ये ढांगा टोली में जो भी शराब कारोबारी लेडीज सब है सब हमला कर रही है, रोड़ा पत्थर ईटा शीशा। जो कितने लोग घायल हुए? घायल हुए लगभग LTF के 2-4 फोर्स है, उनको चोट लगा है। गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुआ है? गाड़ी भी पूरा क्षतिग्रस्त कर दिया है। खबर सहरसा से है, जहां प्रथम चरण के तहत सहरसा जिले के 4 नगर पंचायत एवं 1 नगर परिषद क्षेत्र में 18 में हुए चुनाव को लेकर मतगणना चल रही है। बता दें, जिला स्कूल एवं ग्रल हाई स्कूल में मतगणना केंद्र बनाया गया है, जहां नगर पंचायत सोनवर्षा, सौर बाजार वन गांव नौहट्टा और नगर परिषद सिमरी बख्तियारपुर के नगर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं वार्ड पार्षद प्रत्याशियों का भाग का फैसला आज सुनाया जाएगा।
पांचों नगर निकायों की काउंटिंग अच्छे से चल रही है, पूरी टीम इसमें मुस्तैद है और हम लोग समय सीमा रहते हुए सभी रिजल्ट अच्छे से अनाउंस कर लेंगे। कहीं किसी तरीके की कोई भी कंप्लेन पूरे काउंटिंग प्रोसेस में नहीं आई है। मेरी टीम सुबह से लेके जब तक कंक्लूड होती है तब तक आखिरी समय तक हम लोग प्रतिबद्ध हैं और आखिरी में रिजल्ट जो है एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी के साथ इसको अनाउंस होगा और इसके लिए मैं अपनी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नगर पंचायत के जनता को बधाई, ये मेरी जीत नहीं है, ये सौर बाजार की नगर पंचायत के जनता की जीत है। खबर नवादा से है जहां स्कूल में प्रार्थना को लेकर विवाद हो गया और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दबंगों ने ईंट पत्थर चलाना शुरू कर दिया जिससे 5 बच्चे भी घायल हो गए, जिसके बाद विद्यालय के संचालक ने पुलिस प्रशासन से जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। चौधरी जी जो थे बाहर काली गलौज करते हैं और प्रेयर करने से मना करते हैं और हमको मारे भी हैं और स्कूल बंद करने करते हैं और टीचर को काली गलौज भी करे हैं और ऊपर सतीश भैया को मारे भी है और हमको भी मार दिए। मेरे विद्यालय में बहुत सारे कुछ चौधरी किधर रहते हैं वही काली गलौज करते रहते हैं। असेंबली कराते हैं तो उसका आवाज़ जाता है, इसीलिए बोलता है कि बंद करवा देंगे, ये कर देंगे, ये कर। प्रार्थना के समय वो लोग आता है और गाली गलौज करता है, टीचर के बच्चा को भी मारता है और कहता है स्कूल बंद करा देंगे प्रार्थना से उसको। कौन है, कौन इसे बोल? ये बगल में जो चौधरी का है बहुत डिस्टर्ब करता है सर। प्रेयर होता है तो गाली गलौज करते हैं और सर लोग बोलते तो उनको भी गाली गलौज देते, ईंटा पत्थर चलाते हैं और हमको मारे भी। हम लोग बोले सर तो हमको पीटे भी। तुमको क्यों पीटा? वो सर को बोल रहे थे तो हमको भी मारे 4-5 लाठी। हम बोले क्या हुआ बेटा, तो बोला कि हमको स्कूल में नहीं प्रार्थना समय बगल वाला जो चौधरी जी है जो वो आया और हमको 2-3 लाठी पैर पर रख दिया। उसके बाद हम गए वहाँ छुट्टी के बाद कि हम जाते हैं सर से मिलेंगे, उसके बाद क्या उसको बोलेंगे कि हमको बच्चा ने क्यों मारा। तो हम आए वहाँ पर तो उसको वहाँ बोलने गए तो वो बोले कि तुम कौन बोलने वाला है, हम उससे लड़ाई करते तो तुम कहाँ आई है, हम तुमको भी मारेंगे नहीं, यहाँ से चले जाओ। हम लोग यहाँ पे स्कूल चला रहे हैं, जब भी हम लोग प्रेयर कराते हैं सर तो प्रेयर के टाइम पे आके बगल वाला जो चौधरी जी हैं, दिलीप चौधरी है, कुलदीप चौधरी है, ये सब आते हैं, दारू पीते हैं और प्रेयर बंद करने के लिए बोलते हैं, कहते हैं यहाँ से स्कूल हटा लो, बहुत शोर शराबा होता है और तुम यहाँ से जल्दी हटाओ नहीं तो तुम लोग को देख लेंगे, मारने की धमकी देते हैं। हमारे 3-4 छात्र को मारे भी हैं वो। खबर सहरसा से है जहां ठेकेदार के बंद घर से चोरों ने 15 लाख रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया और ये सारा मामला सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। 15 लाख की लगभग चोरी हुई है। मेरा छोटा साढ़ू है जो कि बड़ोदरा गुजरात में रहते हैं, पापा उनके रांची में रहते हैं। घर सुना था 1-1.5 महीने से, छठ में वो लोग घर आए थे, छठ के बाद से घर में कोई नहीं था और बाकी सारा सामान आपके सामने है, देख सकते हैं, एक भी जेवर ज़्यादा नहीं है। जितना भी महंगा कपड़ा है सारा महंगा कपड़ा सामान सीसीटीवी फुटेज कैमरा को तोड़ते हुए कैमरा का DVR ले गया है और जियो का वाईफाई वाला लगा हुआ था वो खोल के ले गया है। बाकी सारा सामान आपके घर में, दोनों मेरी एक साली की ननद थी, यादनी थी, उनका भी गोदरेज तोड़ के उनका भी सामान ले गया है। हमारे समझी के साढ़ू हैं प्रकाश बाबू, उनको खबर किए, वो आए, वो देखे, उसका समझी साहब हमको भी फ़ोन किए कि समझी साहब घर में चोरी हो गया। मैं भी उठकर जब अपने घर से यहाँ आता हूँ तो देखता हूँ पूरा मेरा सामान जहाँ तहाँ बिखरा हुआ है। मैं प्रशासन को तुरंत फ़ोन किया, प्रशासन लगभग 1-1.5 घंटे के बाद मेरे पास आया और सारे चीज़ को देख करके प्रशासन भी अभी अपना तहकीकात कर रहे हैं। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की,
अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। अस्थमा हो या फिर आर्थराइटिस, डायबिटीज हो या फिर कोई और डिसऑर्डर, आपको मिलेगी सेहत से जुड़ी हर जानकारी। एक्सपर्ट्स देंगे अपनी राय। हेल्थ मंत्रा शनिवार और रविवार शाम 6 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर रोहतास से है जहां गोराड़ी बाजार में आभूषण की दुकान में लूट की घटना को अंजाम देने वाले अंतरराज्यीय अपराधियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी आशीष भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि 30 अगस्त को काराकाट थाना के गोराड़ी बाजार में जय मां कालिका आभूषण दुकान में लुटेरों ने आभूषण से भरी बैग को लूट लिया था। बता दें इस लूट मामले में 4 आरोपी शामिल थे जिनको गिरफ्तार कर पुलिस जांच में जुटी हुई है। जिला के काराकाट थाना क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 30/8/22 को गुराड़ी बाजार स्थित जय मां कालिका ज्वेलर्स दुकान में प्रातः काल में अज्ञात अपराधकर्मियों के द्वारा अग्न्यास्त्र का भय दिखाकर दुकानदार से गहने का बैग छीन करके वो भाग गए थे। इस संबंध में अभी एक अपराधकर्मी जिसका नाम गुंजन कुमार है उसकी गिरफ्तारी की गई है और उसके पास से नकद 10,500 रुपया जो लूट का पैसा था, एक मोबाइल जो कि 18,000 रुपये का है और जो लूट के पैसे से खरीदा गया है, तथा एक स्विफ्ट डिजायर कार जिसको लूट के पैसे से खरीदा गया है उसको बरामद किया गया है। खबर सुपौल से है जहां पुलिस ने सुपौल जिला बॉर्डर आउटपोस्ट पिलर संख्या 205 भीमनगर के पास से नेपाल से तस्करी कर लाया जा रहा करीब 600 किलोग्राम प्रतिबंधित गांजे के साथ एक नेपाली गांजा तस्कर को एसएसबी ने गिरफ्तार किया है। जिसके बाद एसएसबी के कमांडेंट आलोक कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि गांजा सहित तस्करों को भारत सरकार गृह मंत्रालय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को कानूनी कार्रवाई हेतु सुपुर्द कर दिया गया है। नेपाल प्रभाग से इंडियन प्रभाग में व्यक्ति आया, उनको घेरा गया। घेरने के बाद चेक किया गया, चेक करने के बाद देखा गया कि उसमें गांजा, बोरी में गांजा रखा हुआ था, 20 बोरी गांजा था। डॉग स्क्वाड को बुलाया गया, डॉग स्क्वाड के मदद से सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया कि नारकोटिक्स आइटम है, गांजा जैसा दिखने वाला पदार्थ है ये। और डॉग को इसीलिए बुलाया गया कि इस बोरी में क्या रखा हुआ था, तो डॉग ने भी कन्फर्म किया कि नारकोटिक्स है। और एक व्यक्ति जिनकी गिरफ्तारी हुई है, रामचंद्र जी, ये नेपाल भंटावाड़ी के रहने वाले हैं और इनकी गिरफ्तारी हुई है। लगभग 600 केजी गांजा रिकवर किया गया है एसएसबी के द्वारा और एक व्यक्ति को 2 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया है। खबर नवादा से है जहां जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद लोग अब सतर्क होने लगे हैं। इसी कड़ी में नवादा जिले के कादिरगंज थाना क्षेत्र के खरगू बिगहा गांव में ग्रामीणों ने उत्पाद विभाग की टीम की मदद करते हुए गांव में अवैध रूप से संचालित शराब की भट्टी को ध्वस्त किया और मौके पर ही शराब बनाने वाले उपकरण को भी नष्ट कर दिया गया। जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को भरोसा दिलाया कि वह आगे से इस गाँव में शराब नहीं बनने देंगे। हम लोग प्रशासन के साथ और ग्रामीण के साथ जो दारू माफिया है उसको यहाँ से हम लोग हटाने की कोशिश किए हैं और टोटल के टोटल ड्राम हम लोग कबाड़ दिए हैं और टोटल दूरा नष्ट कर दिए हैं पुलिस के सहयोग के साथ। बिहार की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दावपेच, अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी, सांसद से लेकर विधायक तक, आईएएस से लेकर आईपीएस तक सबसे होगी बात। शख्सियत शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखे हमारे खास कार्यक्रम प्राइम शतक के साथ। डांस भी होगा, मस्ती भी होगी, लगेगा हंसी का जबरदस्त ठहाका, आधे घंटे होगा भरपूर मनोरंजन, जब आप देखेंगे मजेदार वीडियोस। वायरल स्टेशन सिर्फ प्राइम टीवी पर। हॉलीवुड से